अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जैन अली। जैन क्या करते हैं? मैं फिलहाल मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल से स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? MLT। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं क्या स्कोप है इसका? इसका स्कोप बहुत अच्छा है, यानी कि आप कहीं भी अपना किसी भी लैब के साथ कनेक्ट करके आपको बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। ठीक है, आप अपनी लैब भी बना सकते हैं। अच्छा, अपनी लैब भी बना सकते हैं, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जो हवा से भी हल्की है लेकिन उसे बहुत सारे लोग भी मिलके नहीं उठा सकते हैं? मम्मी का प्यार। मम्मी का प्यार? अच्छा, मम्मी से आपको इतना प्यार है? बहुत। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं आप? सब कुछ जो हो सकता है। सब कुछ कर सकते हैं। कितने बहन भाई हैं? हम माशा चार। चार बहन भाई हैं। और अम्मी को आपसे सबसे ज्यादा प्यार है? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा उनसे। और उनको किन से है? एक बड़ा एक छोटा। अच्छा चलें ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? अम्मी को पैगाम दें। आपके दोस्त कह रहे हैं कि आपकी अम्मी कहती है स्मोकिंग छोड़ दो। नहीं, पता नहीं। उनको नहीं पता? अब पता लग गया। नहीं, मैं तो स्मोक करता ही नहीं। अच्छा, कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है चलें, क्या पैगाम है? अम्मी के लिए कोई अच्छा सा खूबसूरत सा मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। अम्मी के लिए क्या पैगाम बंदा दे सकता है? उनकी दुआएं होती है हर वक्त और वो हर वक्त दुआएं करती हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू, आप इंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। इसी तरह माँ बाप जो हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, और माएँ जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं और हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहती हैं। तो इनकी दुआएं हैं कि हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो अपनी माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, और माँ बाप को चाहिए वो अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करें, उनको अपनी हैसियत के मुताबिक जितना उन्हें दे सकते हैं उनको दें।